मेरे भाई के साथ रहा है। छोटी से छोटी बात में वो गाइड करते हैं। और सबसे पहले उन्होंने मुझे अपने एक शो में बुलाया, टीवी शो में, और मुझे 17 लैंग्वेजेस में गाना गवाया। फिर उन्होंने वीर फिल्म मेहरबानियाँ जो सॉन्ग है उसमें एक छोटा सा पार्ट स्पेशली ऐड करवाया मेरी आवाज़ में। देन उन्होंने एक दिन ऐसे कैजुअली कहा कि तुम बहुत जल्दी यशराज मूवीज़ के लिए गाने वाली हो। जैसे कि हर कोई कुछ ना कुछ कॉम्प्लीमेंट देता है या ब्लेसिंग देता है, मैंने सोचा ऐसे ऐसे ही कोई कैजुअल कॉम्प्लीमेंट होगा। बट एक्चुअली 1 महीने के बाद फ़ोन आया यशराज फिल्म से, सुहेल सेंजी जो कि इस गाने के कंपोज़र हैं, उन्होंने कहा कि पलक जल्दी से यशराज स्टूडियोज आ जाओ, हमें गाना डब करना है। मैं स्टूडियो गई बिना कुछ सोचे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि एक था टाइगर के लिए होने वाला है। बिना किसी प्रेशर के गाना रिकॉर्ड हो गया। फिर कुछ महीनों बाद मैं फिर से सलमान सर से मिली और उन्होंने कहा कि तुमने जो यशराज स्टूडियोज़ में गाना गाया था वो मेरी फिल्म का है और उसमें मैंने एक्टिंग की है। इट वॉज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि किसी भी सिंगर के लिए, ना सिर्फ यू नो अपकमिंग सिंगर के लिए, इस्टेब्लिश सिंगर्स का भी सपना होता है कि वो यशराज फिल्म के लिए गाएँ, ऊपर से सलमान जी की फिल्म के लिए गाएँ। इट वॉज़ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी। हाँ बहुत, इनफैक्ट वो मेरे मिशन में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मेरे पास फंड्स नहीं होते, किसी बच्चे को ऑपरेशन करवाना हो, अर्जेंटली इमरजेंसी केस हो, तो वो अपने बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से काफ़ी बच्चों की मदद करते हैं। इनफैक्ट एक था टाइगर के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तब मैं तुम्हारे 100 बच्चों का ऑपरेशन करवाऊँगा, और मेरी वेटिंग लिस्ट में से एक्चुअली उन्होंने 100 बच्चों के ऑपरेशन करवाए। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम मेंशनिंग दैट। सलमान के लिए एक आपकी आवाज़ का एक गाना बनता है। श्योर, तो मैं जो गाना मुझे उनकी वजह से मिला है, वैसे तो मुझे रिसेंटली जय हो का फोटो कॉपी भी उनकी वजह से ही मिला था, बट मेरा पहला गाना लापता मैं गाती हूँ। आंखों को यूं बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें, हम हैं कहाँ। दिल के किनारे ख्वाबों के नीचे है खोया खोया अपना जहां, मैं लापता तू लापता, होशो हवास है लापता। हाँ जैसे आपकी आवाज हमें सबको लापता कर रही है। फिर आपको आपकी आशिकी 2 आई, यस, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि महेश भट्ट जैसे कामयाब डायरेक्टर के साथ विशेष मीन से जुड़ना अपने आप में एक ये होता है। फिर आशिकी 2 एक म्यूजिक बेसिस पे कभी मूवी नहीं बनी थी, आशिकी के बाद आशिकी 2 आई, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? आशिकी 2 आई थिंक मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है जो मेरे साथ हुई, बिकॉज़ जब मुझे अच्छे से याद है, जब पहला फ़ोन मुझे आया था मिथुन